आज हम समझते हैं थ्री फेस मोटर का स्टार कनेक्शन कैसे होता है और डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। और मान लीजिए हम स्टार में अपना मोटर कनेक्ट कर दिए और मोटर उल्टा चल रहा है, तो उसको सीधा कैसे करें, उसका रोटेशन सीधा कैसे करें। तो इस वीडियो में हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक सिंपल डायग्राम बनाया हूँ स्टार कनेक्शन का। तो स्टार कनेक्शन कैसे होता है, हमारा जो मोटर का बाइंडिंग होता है, एक सिरे से दूसरा सिरा निकलता है। तो ये देखिए, जैसे हमारा मान लीजिए बाइंडिंग करना जब स्टार्ट किए, तो ये जो U1 को R मान लेते हैं, R फेस U1, तो उसका दूसरा बाइंडिंग जो निकलेगा वो हो जाएगा U2। तो ऐसे ही V1 जो है, V1 का दूसरा बाइंडिंग जो निकलेगा वो V2 हो जाएगा। और W1 का जो दूसरा बाइंडिंग निकलेगा वो W2 हो जाएगा। तो स्टार कनेक्शन जो हमारा होता है, वो हम 2 वाला जो होता है W2, U2, V2, ये तीनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, ये तीनों आपस में शॉर्ट हुआ है, तीनों आपस में शॉर्ट कर देते हैं। U1, V1, W1 पे हम R फेस, Y फेस, B फेस आप स्टार्टर के थ्रू दे देते हैं, तो हमारा मोटर चलने लगता है। जैसे मान लीजिए आपका मोटर का रोटेशन उल्टा है, तो उसको सीधा कैसे करेंगे, आप कोई सा भी जैसे R फेस Y फेस आपस में चेंज कर देंगे, तो आपका मोटर का रोटेशन सीधा हो जाएगा। ये था हमारा स्टार कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन के बारे में समझते हैं कि हमारा डेल्टा का कनेक्शन कैसे होता है। ये देखिए, मैं डेल्टा का भी एक सिंपल डायग्राम बनाया हूँ, डेल्टा का कनेक्शन कैसे होता है। तो जो डेल्टा का कनेक्शन होता है, सब मोटर में बाइंडिंग एक तरफ से U1 अगर हो रहा है, तो उसका एक सिरा U2 निकालेगा। तो इसका जो शॉर्टिंग होता है, ये देखिए, जैसे W2 U2, ये आपस में शॉर्ट होता है। जैसे ये देखिए, U1 जो है वो W2 के साथ शॉर्ट होगा, U1 W2। ऐसे ही W1 U2, ये W1 हो गया, U2 हो गया, और U1 W2 हो गया, U1 W2 हो गया। आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी बताएगा। जैसे ये U1 है तो U2 पे कॉन्टिन्यूटी बजेगा, V1 है तो V2 पे कॉन्टिन्यूटी बजेगा, W1 है तो W2 पे कॉन्टिन्यूटी बजेगा। तो डेल्टा का कनेक्शन करते हैं, जैसे ये सीधी लाइन में ऐसे शॉर्ट कर देते हैं, ये साइड में आप देख सकते हैं डेल्टा का कनेक्शन, ये ऐसे सीधी लाइन में आप शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम R फेस, Y फेस आप स्टार्टर के थ्रू R फेस, Y फेस, B फेस दे देंगे। इसमें भी सेम कंडीशन वही होता है कि हमारा मोटर अगर उल्टा चलता है, तो कोई सा भी फेस जैसे Y, B आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो हमारा मोटर का जो रोटेशन होगा वो सीधा हो जाएगा। यही था हमारा डेल्टा कनेक्शन। ऐसे आप कंटिन्यूटी लगा के चेक कर सकते हैं, ये जो है U1 जो है ये V2 इससे शॉर्ट है, और ये जो है इससे शॉर्ट है। तो डेल्टा का कनेक्शन सीधे सीधे हम शॉर्ट करके करेंगे। ये देखिए, हमारा सर्किट ऐसे बना है। तो इस वीडियो में इतना ही जाने, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्टार्ट डेल्टा मोटर का कनेक्शन कैसे करें, और मोटर अगर हमारा उल्टा चल रहा है, उसका रोटेशन सीधा कैसे करें।